सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा आठ के हिंदी पाठ्यक्रम में पुस्तक लिखी भारतीय खोज। उसमें हम पार्ट दो का तीसरा हम पढ़ेंगे, पार्ट दो तलाश, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की शक्ति और सीमा। इसके पहले हमने भारत के अतीत की झांकी पढ़ी, उसमें नेहरू जी एक विशेष तत्व की खोज कर रहे थे, और जो सांस्कृतिक मजबूत आधार था भारत का, यहाँ की परंपरा का, उसकी मजबूती का रहस्य क्या था, उस रहस्य की पड़ताल की थी पिछले पाठ में। आज हम लोग देख रहे हैं भारत की शक्ति और सीमा, तो आइए पाठ की तरफ चलते हैं। भारत की शक्ति और स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई। भारत की जो शक्ति है, शक्ति के जो स्रोत हैं और उसके पतन और उसके नाश के कारणों की जो खोज करना है, वो बड़ी लंबी और उलझी हुई थी। कैसे हुआ ये सब चीज़ों को समझना, क्योंकि बहुत पुराना 5,500 साल पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी लेना शुरू से लेकर अब तक, तो थोड़ा सा ये लंबा और उलझा हुआ क्रम है। आगे देखिए, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। तो पुराने समय में जाना और उस चीज को समझना और जांच पड़ताल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो वर्तमान में जो स्थिति है, नेहरू जी बता रहे हैं वर्तमान में भारत गुलाम है, ठीक है, क्योंकि वो जेल में है, अहमदनगर का जो किला है वहाँ वो जेल में बंद है और वहाँ वो इसको लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि वर्तमान समय में जो भारत पिछड़ गया, इसका कारण क्या है। तो इसके कारण स्पष्ट है, वहाँ हम देख सकते हैं उनको, ठीक है। क्या है वो? भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। भारत जो है तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया, क्योंकि अकबर के समय में वहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई थी यूरोप में, ठीक है, इंग्लैंड में। तो अगर ये सजग होते, क्योंकि वो इस समय यहाँ राज कर रहे थे, अगर ये लोग समझदार होते, थोड़ा सजग होते, ठीक है, अत्यधिक विलासिता में नहीं डूबे होते, तो बहुत सारी चीज़ों को समझते, ठीक है। विदेशों के साथ जो भारत का पहले संबंध था इन आक्रमणकारियों के आने से पहले, क्योंकि भारत में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए, ठीक है, और आकर फिर बाद में यहीं बस गए, ठीक है। आज वो नहीं है, उनका कोई निशान नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन पुराने समय में भारत का विदेशों से बहुत अच्छा संबंध था, तमाम देश, दुनिया के तमाम देशों से उसके बहुत अच्छे संबंध थे। तो उसके कारण क्या था कि एक आदान प्रदान होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है, तकनीकी का आदान प्रदान, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था, क्योंकि जब भी कोई शब्द आपस में मिलती है तो कुछ लेती है कुछ देती है। तो लेकिन ये लोग उतने सजग नहीं थे, जिस कारण से भारत पिछड़ गया, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसला मंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। कितनी सही बात इन्होंने कही, तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी, और वैज्ञानिक चेतना के मामले में भारत प्राचीन समय में तो बहुत उन्नत था, क्योंकि यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि मतलब यो यूरोप जो पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, ठीक है, भारत से बहुत पिछड़ा था, वो एकदम सही बहुत आगे निकल गया, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत मतलब जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने क्या किया, भारत की वैज्ञानिक चेतना थी उसको नष्ट कर दिया, यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, ठीक है, यहाँ के जो शिल्प थे, जो तकनीकी थी, उसको नष्ट करने में लग गए लोग, ठीक है, नहीं तो भारत आज बहुत आगे निकल जाता, ठीक है। तो बता रहे हैं वो कि जो वैज्ञानिक चेतना थी और यहाँ की जो हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी, वो इसी मतलब इस पिछड़ेपन का कारण थी, ठीक है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रह गई थी। वर्तमान की ही बात कर रहे हैं कि वर्तमान के कारण स्पष्ट है, उसी वर्तमान के कारणों की बातें कर रहे हैं। नई तकनीकों ने पश्चिम यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। और जब नई तकनीकी आई तो क्या हुआ, उनका जो मिलिट्री पावर है, ठीक है, उनकी जो सेना बड़ी उन्नत हो गई, ठीक है, और इस कारण से उनको शक्ति मिली, उन्होंने क्या किया, पूरब के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और आक्रमण करके उसको अपना गुलाम बनाना शुरू किया। जब भी तकनीकी उन्नत होती है तो उस देश की जो सैन्य क्षमता होती है उसका भी विकास होता है। जैसे आज देखिए, वर्तमान समय में हम देखें तो चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए उसने अपनी सेनाएं भेजी थी। अगर भारत सक्षम नहीं होता तो क्या वो सेनाएं पीछे जाती हैं? अभी भी कुछ दूर पीछे जाके रुकी हुई है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि अब वो आ जाए इधर, ठीक है, वो गलवान नदी को पार करके, गलवान घाटी को पार करके इधर नहीं आ सकता। पूरी तैयारी में था, उसको घमंड हो गया था कि मेरे पास बहुत ताकत है, लेकिन भारत ने भी समय रहते अपने आप को उन्नत किया है, ठीक है, नई नई तकनीकी से, ठीक है। अब वो भारत पहले ऐसा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, भारत इन चीज़ों में पिछड़ गया। जब पिछड़ गया तो उन लोगों ने धीरे 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 जो है अपने सैन्य बल को बढ़ाया, उसमें नई तकनीकी जोड़ी, और उसके बाद फिर पूरब के जो भी देश थे उधर वो हमला करते चले गए, उन लोगों को जीतते चले गए, ठीक है। ये तो दुनिया का दस्तूर रहा है, जिसके पास शक्ति होगी वो दूसरे राज्य पर हमला करके उसको अपने में समाहित कर लेगा। आगे देखिए, यह केवल भारत की लगभग सारे एशिया की कहानी है। ये भी सही बात है, ये केवल भारत की बात नहीं है कि भारत को भारत के साथ ऐसा हुआ,
ये पूरे एशिया का ये हाल था, ठीक है, पूरे एशिया में ये हालत चल रही थी, ठीक है, लोग उतने सजग नहीं थे। आगे देखिए, ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। भारत में जो मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल था, मैंने आपको पहले बताया, जो मानसिक सजगता, लोग इतने बुद्धिमान थे जिसकी बात को खुद स्वीकार करते हैं हिंदू जनता में, ठीक है ना, और उनका जो तकनीकी कौशल था, ठीक है, वो बहुत ही उन्नत था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब यहाँ आक्रमणकारी आए, ठीक है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए और उन्होंने इस देश पर शासन करना शुरू किया, तो यहाँ की जो तकनीकी कुशलता थी और जो एक मानसिक सजगता थी, ठीक है, उस पर इनका अधिकार हो गया, उन लोगों ने उसको सब नष्ट करना शुरू कर दिया। इसी कारण से भारत उस स्तर तक अपने आप को नहीं ले जा पाया उस समय, ठीक है, जबकि दुनिया के बाकी देश वहां पर जा रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। जीवन मतलब जीने की इच्छा, लालसा का मतलब होता है इच्छा, और उद्यम में कमी आ जाती है। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, ठीक है, कमी आ जाती है, मतलब लोग क्या करते हैं, सब चीजों से बचने लगते हैं। छीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जब कोई व्यक्ति कुछ रचना करता है तो वो चीज हमेशा मौलिक होती नहीं होती, लेकिन अगर आप अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे, तो नकल अधिक देर तक नहीं टिकता, नकल कभी असर नहीं हो सकता, ठीक है, और उस नकल के कारण ही, नकलपन के कारण ही चीज पीछे होती चली गई। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, कामयाबी के साथ लोगों ने क्या किया, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने लगे कि क्या होता है दुनिया में, धरती क्या है, कैसे है, ये सब की खोज हो रही है, ठीक है, और उसकी जगह पर भारत में क्या हो रहा है, शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह दिखाई देने लगा, ठीक है, मतलब क्या उन चीजों को अनुवाद करके बड़े बड़े चमत्कारिक शब्दों से बनाने लगा उसको, ठीक है, उसकी जगह लेने लग गया शब्द भाष्यकार, ठीक है, आडंबर पूर्ण, ठीक है, दिखावे का रूप लेने लग गया। तो यही सब चीजें जो है इसके पिछड़ेपन का कारण थी। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। यहां पर साफ संकेत दे रहे हैं, ठीक है, ये जो पच्चीकारी है और जो नक्काशी है, ठीक है, ये पहले हमारे क्या भव्य कला थी और मूर्ति निर्माण था बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, लेकिन जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सब चीजों को तोड़ दिया, ठीक है, और तोड़ने के बाद सब चीजें बंद हो गई। तो पच्चीकारी बहुत बारीकी बेल बूटे बनाना, ठीक है ना, और मेहराबे बनाना, ठीक है, मीनारे बनाना, इस तरह का काम शुरू हो गया। तो उस कारण से क्या हुआ, ये चीजें और पीछे हो गई। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण शुद्ध देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, छीण हो चली थी, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई, अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। यहां पर मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं क्योंकि समाज में जो है लोग इसका गलत फायदा उठाने लग गए, ठीक है, लोगों ने क्या किया, आडंबर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आ चुके थे और उस कारण से क्या है, जो यहाँ का व्यक्ति था उसके जीवन लालसा में कमी आ गई। उन्होंने लिखा है वहां पर, ठीक है, कि जो मनुष्य है उसकी जीवन लालसा, जीवन की लालसा उद्यम में कमी आ जाती है। जीने की जो इच्छा है वो अपने आप को क्या समझता है, वो अपने आप को समझता है कि मैं जो है अब तो गुलाम हो गया हूँ, अब जीने का क्या फायदा है, ठीक है, मैं तो यहाँ गुलाम हूँ, और जो परिश्रम करने का, मैं कुछ भी करूंगा लोग तो लूट ही लेंगे, तो ये जो भावना थी, ठीक है, उस कारण से उस कारण कुछ फायदा उठाया कुछ लोगों ने, ठीक है ना, और उन्होंने जबरदस्ती लोगों को जो है मूर्ति पूजा की तरफ धकेल दिया, ठीक है, किस लिए, इसलिए कि तुम लोग ये पूजा पाठ करोगे उसके बाद फिर सब कुछ चमत्कार हो जाएगा। अरे ऐसा कभी होता है क्या, मतलब जहां पर लोगों को लड़ना था खड़े होकर के, साहस के साथ इकट्ठा होना था, ठीक है, एकता दिखानी थी, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देना था, तो वहां पर लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने शब्दाडंबर करके, ठीक है, लोगों को उन्होंने बहकाने का प्रयास किया, ठीक है, और एक दूसरी दिशा की तरफ उनको ले गए, ठीक है, कि सब कुछ ईश्वर कर सकता है, सब कुछ ईश्वर कर सकता है, बेशक ईश्वर कर सकता है, लेकिन मनुष्य ने उसने दो हाथ दिए, मस्तिष्क दिया है, वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करे और अपने दोनों हाथों की शक्ति से वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कोई ईश्वर थोड़ी उतरेगा आसमान से आपको बचाने के लिए, आपको खुद करना होगा, उसी के बारे में साफ संकेत दे रहे हैं हमारे। अतीत के निकट भार ने उसे कुचल रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट के साथ भारत का ह्रास होने लगा, वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि उसके दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। ये स्थिति पैदा हुई, ठीक है, लोग निकम्मे हो गए एक तरह से, कुछ करना नहीं चाहते थे, और उसके बाद आप देखेंगे तो व्यवस्थाएं कैसे बदल रही है भारत के अंदर, ठीक है,
मतलब जब मुगलों का शासन खत्म होता है, अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज के बाद फिर जमींदारी प्रथा शुरू हो जाती है, ठीक है, जो यहाँ के राजा महाराजा हैं छोटे छोटे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, अंग्रेज उनसे मतलब एक विशेष प्रकार का टैक्स लेते हैं, भाई आप हमको इतना टैक्स दे दो, उसके बाद आपका जो बचे वो आप रखो, हमसे उससे कोई लेने देने, हमको इतना टैक्स आप या तो हमारी गुलामी स्वीकार कर लो या आप हमारे को इतना टैक्स दो, ठीक है, नहीं तो हम आपके राज्य को जीत कर मिला लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम आपको इतना टैक्स देंगे, ठीक है। अब उस टैक्स लेने के चक्कर में क्या किया, उनको उतना टैक्स तो देना ही था किसी भी हाल में, तो जनता का शोषण करने लगे, तो ये जमींदारी प्रथा जो शुरू होने लगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लोग भूमिहार लोग शुरू हो गए, खड़े हो गए, ठीक है, बड़े बड़े भूमि के लोग, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति जो है गरीबों का शोषण करने लगा, उसकी बात भी आगे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आगे देखिए। तो भारत की जो प्रगति थी, इन सब कारणों से क्या हुआ, एक थकावट सी महसूस होने लगी लोगों में, ठीक है, लचीलापन सा आ गया, ठीक है, मतलब कोई केंद्रीय सत्ता तो रह नहीं गई, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत को उपनिवेश समझा, यहाँ सारा कच्चा माल वो लेते थे, ब्रिटेन में भेजते थे, वहां से चीजों को बनाकर फिर भारत में पटक देते थे, यहाँ के लोग वहां की बनी हुई चीजें खरीदते, तो इस कारण से यहाँ जो है बहुत भारत का बहुत ज्यादा पतन हो गया इस कारण से। आगे देखिए, किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है, अभी भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये जो परिस्थिति है जो बनी है, ये इसका पूर्ण सर्वेक्षण नहीं है और सही सर्वेक्षण नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ऐसा वो कहते हैं। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होगा तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। सही कह रहे हैं, अगर ये जो गतिहीनता और जड़ता थी अगर एक लंबे समय तक भारत में रहती तो भारत का अतीत से नाता टूट जाता, भारत का जो अतीत था लोग अपने अतीत को भूल जाते, ठीक है, जो यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, इन सबके बावजूद भी जो परिस्थितियां भारत ने झेली थी उन सबके बावजूद भारत उस अपने अतीत से कट जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता, इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो निरंतरता है विकास की, परिवर्तनशीलता की, वो बनी रही, यही सबसे बड़ी शक्ति है भारत कि इतने सारे आक्रमण झेले हुए, ठीक है, दुनिया के तमाम देश यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने राज किया, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके भारत में जो विशेष तत्व था वो टूटा नहीं, वो विकास जो है बहुत ही पतली धारा में चलता रहा, वो निरंतरता बनी रही, निचले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर, निचले स्तर पर चलती रही, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साथ दिखाई पड़ते हैं। भारत में पुनर्जागरण के दौर आते हैं, पुनर्जागरण का मतलब होता है सोए हुए को जगाना, रेनांसा एक शब्द है पुनर्जागरण, ठीक है ना, तो पुनर्जागरण के दौर आते रहे, बीच बीच में लोग निराश हो जाते थे, कहीं कोई ऐसा समय आता था जब लोगों के अंदर फिर से साहस हिम्मत जोश पैदा हो जाता था, ठीक है, और लोग फिर से अपनी उसी स्थिति को प्राप्त हो जाते थे, जैसे कहने का मतलब यह है जैसे बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते थे कुछ समय पर राज करते, लेकिन यहाँ के लोग भी जाग खड़े होते थे, ठीक है, बस राजा महाराजा, और फिर उनसे युद्ध करके उनको हराते थे और अपनी उस पुरानी खोई हुई सत्ता को फिर वापस प्राप्त करते थे, ठीक है, तो ये चीज चलती रही, ठीक है। और ये कह रहे हैं नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर, अब जो नया चीज आया था उसको समझना, उसको अपने हिसाब से ढालना और पुराने के साथ उसको सामंजस्य स्थापित करना, ये क्रम चलता रहा, ठीक है, जो भी अच्छा था उसको सामंजस्य उसके साथ स्थापित किया गया, उसको अपने सम्मिलित किया गया, ठीक है, समाहित किया गया। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा था, उसकी अंतर्वस्तु बदल गई, पुरानी जो चीज थी उसका केवल बाहरी ढांचा बचा रहा, उसके जो अंदर की विषय वस्तु थी उसको बदल दिया गया, ठीक है। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका, मनुष्य की एक लालसा होती है जिसको हमेशा ऐसी जगह खींचती है जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, वो क्या चीज है जिसकी ओर खींच रही है, ठीक है, ये बात उन्होंने पहले भी कहा है कि पता नहीं चलता वो क्या चीज जो मनुष्य अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। आगे देखिए, और साथ ही नवीन, प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है, और लोग क्या करते हैं जो नया और पुराना उसके बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक है हम नए को अपनाएंगे लेकिन हम पुराने को भूल नहीं जाएंगे, पुराने में जो अच्छा है उसको हम संभाल कर रखेंगे। आज भी लोग ऐसा करते हैं, हमने अपने, हम लोग कितने भी विकसित हो गए हैं, बड़े बड़े शहर और नगर बन गए हैं आज भी, ठीक है, लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत हाईफाई हो गई है, वाईफाई हो गई है, ठीक है ना, और कहने का मतलब यह है कि लोग फिफ्थ जनरेशन के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो परंपराएं बनी हुई हैं, हमने उन परंपराओं को जो बहुत पुरानी हैं, ठीक है, उनके साथ एक सामाजिक स्थापित बनाया हुआ है, ठीक है, हम नई तकनीक उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की शक्ति दी,
इसी लालसा ने, ये जो लालसा है ठीक है कि नए के साथ पुराने का सामंजस्य स्थापित किया जाए, तो यही लालसा थी जो इसको पुनर्जीवित रखती है ठीक है, और नए के साथ पुराने को संजो कर रखने की शक्ति देती है ठीक है, उस विचार को जन्म देती है कि हम किस तरह नए के साथ साथ पुराने को साथ लेकर चले, जो अच्छा है उसे हम भुला नहीं देंगे, हमारा अतीत है वही हमारी शक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगला पाठ हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।